हरे कृष्णा, हरिओम। श्रीमद्भगवद् गीता अथ चतुर्थो अध्यायः। दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम्। विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्ययति तानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अजोपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर् भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्यवर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध करने के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा।